अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का चुनावी जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ने लगा है। सोमवार को हापुड़ के बाद मेरठ में उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। व्यापारी सम्मेलन के बाद उन्होंने उद्योगपति व शिक्षाविद राजेश दीवान के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह को भी संबोधित किया। अरुण गोविल ने कहा कि एलिट क्लास का मतदान बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। मतदान का दिन हमारे लिए अवकाश का दिन हो जाता है। इस प्रवृत्ति को न सिर्फ रोकना होगा बल्कि देश हित में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाना होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें मोदी व योगी जैसा नेतृत्व मिला है। इससे पूर्व राजेश दीवान ने तलवार व गदा देकर अरुण गोविल को सम्मानित किया। देखिए आपसे पहले जितने भी हमारे आदरणीय वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरे पास नया बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सही बात है। एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा जो मेरी आप कह सकते हैं कि प्रार्थना है आप सबसे कि 26 तारीख को जो मतदान यहाँ होगा उसमें आप अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों का चलन रहा है कि जो हाई इनकम ग्रुप है या हाई मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उनका वोटिंग परसेंटेज धीरे 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 कम हो गया। वोट हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, हमें उसे पूरा करना चाहिए। वो कर्तव्य है देश के प्रति, वो कर्तव्य है प्रदेश के प्रति, वो कर्तव्य है हमारे शहर के प्रति। जब ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए लोग आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी वो अपना कर्तव्य कर सकते हैं, हम अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाते? हमें निभाना चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है वो कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत की बात की है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसको उस गति से ले जाने के लिए आपको अपने वोट का अधिकार प्रयोग करना चाहिए। मतलब वोटिंग हफ्ता प्रतिदिन हमारे लिए छुट्टी हो जाता है, हॉलीडे हो जाती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, देश के प्रति कर्तव्य निभाना हम सबका आपका फर्ज है। निभाइए, अरे हमारे सौभाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय मोदी जी जैसे योगी जी जैसे लोग मिले हैं, जो नेतृत्व हमें मिला है बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहा कोई नहीं मिलता, हमने नहीं देखा पहले कभी ऐसा, इतने साल हो गए, आज मिला है तो हमें वो हमारा उपयोग हमें इतना हमारे लिए भला कर रहे हैं और हम अपने वोट तक का प्रयोग नहीं करते, जबकि हमको सुविधाएं सारी चाहिए। सुविधाएं नहीं मिलती, कोई बात नहीं मिलती तो कहते सरकार ने किए नहीं किया। हमने क्या किया? उनसे मैं विनती करता हूं, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी कर देखिए, बहुत अच्छा है।
रामायण के एक एक चरित्र को ले लीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या दूसरे लोगों के लिए कैसे जिया जाता है, तब हमें समझ में आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वालंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।